नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टोक्यो ओलंपिक के बाद टोक्यो पैरालंपिक में भी भारतीय दल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। टोक्यो में हुए 16वें पैरालंपिक गेम्स में भारतीय दल ने देश के लिए 19 मेडल जीते। भारत ने इससे पहले 53 सालों में 11 पैरालंपिक में हिस्सा लिया था और कुल 12 मेडल ही जीते थे। भारत ने इस बार सभी तरीके के मेडल जीतने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस बार भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, वहीं 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इससे पहले कुल 4 ब्रॉन्ज मेडल अब तक भारत ने जीते थे। इस वीडियो में टोक्यो पैरालंपिक में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हम चर्चा करेंगे। पैरालंपिक खेलों में देश के लिए अब सबसे पहला गोल्ड शूटिंग स्पर्धा में अवनी लेखेरा ने जीता। जयपुर की अविनी ने महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में पहला स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। भारत के लिए दूसरा गोल्ड जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल के खाते में आया था। सुमित ने जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तीसरा गोल्ड मेडल 19 वर्षीय शूटर मनीष नरवाल के खाते में आया। मनीष ने 50 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं 2 गोल्ड बैडमिंटन में आए। प्रमोद भगत ने 4था गोल्ड मेडल जीता। वहीं कृष्णा नागर ने आखिरी दिन भारत को गोल्ड जिता दिया। भवानीबेन पटेल ने टेबल टेनिस के वुमेन सिंगल क्लास 4 कैटेगरी में भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। देवेंद्र झांझरिया ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया था। निषाद कुमार ने हाई जंप में 2.6 मीटर की जंप लगाकर भारत को सिल्वर मेडल जिताया। वहीं भारत के लिए डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। वहीं हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। मरियप्पन ने 1.86 मीटर की ऊंची छलांग लगाई थी। उन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के पुरुषों के हाई जंप में रजत पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक के आखिरी दिन नोएडा के डीएम सुहास यतिराज को सिल्वर मेडल बैडमिंटन में मिला। भारत के लिए इस बार पहला ब्रॉन्ज सुंदर सिंह गुज्जर ने जैवलिन थ्रो में हासिल किया था। दूसरा कांस्य पदक सिंहराज अडाना के नाम रहा। अडाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। हाई जंप इवेंट में शरद कुमार भी ब्रॉन्ज जीतने में सफल रहे थे। गोल्ड जीतने वाली अवनी लेखारा ने 50 मीटर राइफल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने आर्चरी में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। हरविंदर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में आर्चरी में मेडल जीता है। पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में मनोज सरकार ने बढ़िया खेल दिखाते हुए देश की झोली में एक और मेडल डाला था। SL3 कैटेगरी में मनोज सरकार ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।